बिसम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हाशमी आर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद अजीज साथियों आज की वीडियो घोड़े की तारीख़ और दिलचस्प हकायक पर है व्यूअर्स घोड़ा एक सोमदार पस्तान्या जानवर है घोड़ों की इर्तका का अमल साढ़े चार करोड़ साल से पाँच करोड़ साल के दौरान हुआ तकरीबन चार हज़ार कबल मसीह इंसानों ने घोड़ों को पालतू बनाया और तकरीबन तीन हज़ार साल कबल मसीह से घोड़ा पाला जा रहा है विवर्स दौरे हाजर में आला नस्ल के घोड़े पालना इंतहाई महंगा शौक़ है दुनिया भर के शाही खानदान और उम्रा घोड़ों से ख़ास मोहब्बत रखते हैं घोड़ों को इंसान दोस्त जानवर भी कहा जाता है पाकिस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जो घोड़ा पालने के इस महंगे शौक़ से वाबस्ता हैं विवर्स घोड़े रात की तारिकी में ख़लाई मखलूक जैन भूत और परियाँ देख सकते हैं और घोड़े को कभी उल्टी नहीं आती विवर्स जंगली घोड़ों के गौल में मादा घोड़ी फैसला करती है कि अब खुराक की तलाश के लिए कहाँ जाना है घोड़ों के सुनने सूंघने और चखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है घोड़े ऐसे माहौल के लिए हैं जहाँ तवील अरीज खुले मैदान बहुत कम नबातात और ऐसी जगह जहाँ दीगर बड़े जानवर ना रह सकें विवर्स घोड़े अमूमन गौल की शक्ल में रहते हैं और हर छोटे बड़े को अपनी वक़त मालूम होती है गौल की रहनमाईमूम मादा करती है घोड़े मेल जोल के शौकीन होते हैं और दीगर अनवा के जानवरों के साथ दोस्ती बना लेते हैं विवर्स घोड़ा लेट कर और खड़ा होकर दोनों हालतों में सो सकता है घोड़े का बच्चा पैदाइश के कुछ ही देर बाद दौड़ने के काबिल हो जाता है ज़मीनी मेमल्स में सबसे बड़ी आँखें घोड़े की हैं घोड़े ख़ुराक के बगैर 20 से 25 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं और पानी के बगैर सिर्फ 3 से 6 दिन तक ज़िंदा रहते हैं विवर्स घोड़े के 40 दांत होते हैं जबकि मादा घोड़ी के 36 दांत होते हैं साथियों ये थे घोड़ों के कुछ हकैक दिलचस्प हकैक और भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वक्त तकरीबन तमाम घोड़े पालतू हैं इस वक्त दुनिया में घोड़ों की तकरीबन तीन सौ इकसाम हैं विवर्स घोड़े और इंसान मिलकर मुख्तल खेलों में हिस्सा लेते हैं और मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं और इसके अलावा रोज़मर्रा के काम काज जैसा कि ज़रात तफरी और इलाज के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों घोड़ों से बहुत सी मसनूआत भी तैयार की जाती हैं यानी हासिल की जाती हैं जिनमें गोश्त दूध खाल बाल हड्डी और हमला घोड़ी के पेशाब से कई अद्वात भी कशीद की जाती हैं पालतू घोड़ों की खुराक पानी और देखभाल इंसानी ज़िम्मेदारी होती है अज़ीज़ साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बहुत शुक्रिया दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो आमीन जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज